हेलो किड्स, अ वेरी प्लीजिंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज ज्योति मैम विद यू. स्टूडेंट्स, वी विल रिकैप्चुलेट दिस चैप्टर व्हाट वी हैव रेड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए वाटर की नीड होती है. वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग. पानी जो है किस किस चीज़ों में यूज़ करते हैं हम? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और क्लीनिंग करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर. रेन वाटर जो होता है वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर में कलेक्ट हो जाता है. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर. हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज रीड एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, ए, सर्कल द करेक्ट वर्ड. क्या करना है हमें? करेक्ट वर्ड पर सर्कल करना है. फर्स्ट वन इज ऑल ऑफ अस नीड वाटर और स्वीट्स टू लिव. हम सबको किस चीज़ की नीड होती है? वाटर की या स्वीट्स की? जिंदा रहने के लिए ऑल ऑफ अस नीड वाटर या स्वीट्स. यस, किसकी नीड होती है? वाटर की. सो वी विल सर्कल ऑन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वी यूज वाटर फॉर राइटिंग या बाथिंग. यस, हम वाटर का यूज राइटिंग करने के लिए करते हैं या बाथिंग करने के लिए? यस, किसके लिए करते हैं? बाथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन टैप्स या पॉन्ड. रेन वाटर को हम कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है? टैप्स में या पॉन्ड्स में? यस, कहाँ कलेक्ट होता है? पॉन्ड्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वी मस्ट सेव वाटर या वेस्ट वाटर. हमें वाटर को सेव करना चाहिए या वेस्ट करना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए? सेव. सो वी विल सर्कल ऑन सेव. क्वेश्चन नंबर 2, कलर क्लाउड्स फॉर दोज दैट नीड वाटर. हमें उस पर कलर करना है जिसको वाटर की नीड होती है. यस, फर्स्ट वन इज फिश. यस, फिश को वाटर की नीड होती है. यस, सो वी विल कलर हेयर विद ब्लू कलर. नेक्स्ट पेन. पेन को वाटर की नीड होती है? नो. नेक्स्ट है कैट. कैट को वाटर की नीड होती है? यस, सो वी विल कलर हेयर. ओके, नेक्स्ट प्लांट. प्लांट को वाटर की नीड होती है? यस, वेरी गुड. प्लांट को वाटर की नीड होती है, सो वी विल ऑल्सो कलर दिस क्लाउड. नेक्स्ट वन इज बेबी. बेबी, बेबीज को भी वाटर की नीड होती है, सो ऑल्सो यू हैव टू कलर दिस क्लाउड. नेक्स्ट वन इज बुक. बुक को वाटर की नीड होती है? यस, वाटर की नीड होती है बुक को? नो ना, सो लीव दैट क्लाउड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द कैपिटल लेटर्स टू मेक वर्ड्स, राइट देम ऑन द ब्लैंक्स. नाउ यू विल रीअरेंज दिस लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज वी नीड वाटर टू. हमें वी नीड वाटर टू, हमें पानी की ज़रूरत होती है. किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है हमें पानी की? स्पेलिंग है हमारी, हमें इसको रीअरेंज करना है. आर के आई डी एन. क्या आएगी स्पेलिंग? ड्रिंक. वी नीड वाटर टू ड्रिंक. सो ड्रिंक की स्पेलिंग क्या होगी? डी आर आई एन के. क्या बन गई? ड्रिंक. नेक्स्ट वन इज वी नीड वाटर टू. स्पेलिंग है के डबल ओ सी. फूड. वी नीड वाटर टू फूड. फूड को क्या करने के लिए हमें वाटर की नीड होती है? यस, कुक करने के लिए. तो सो कुक की स्पेलिंग क्या होगी? सी डबल ओ के, कुक. नेक्स्ट वन इज वी मस्ट कलेक्ट. नाउ रीअरेंज दिस स्पेलिंग. एन डब्ल्यू आर ए आई ई ए टी आर. क्या स्पेलिंग, न्यू स्पेलिंग क्या बनेगी इससे? रेन वाटर. रेन वाटर की स्पेलिंग क्या होगी? आर ए आई एन रेन, डब्ल्यू ए टी ई आर. क्या बन गया? वाटर. नेक्स्ट
We can use rain water to wash. हम रेन वाटर का यूज क्या वॉश करने के लिए करते हैं? Now again rearrange this spelling. Yes, L G E T E V A B S E. स्पेलिंग बनेगी बेटा V E G E T A B L E. क्या बन गई? वेजिटेबल. After reading this chapter, we inculcate good value. So, we will read this value corner. Yes, tick what you do. You see a leaking pipe, you do not pay attention to it. Yeah, report it to your parents. आप उस pipe की side कोई ध्यान नहीं देंगे या अपने parents को बताएंगे. Yes. क्या करेंगे आप? जो आपको सही लगता है, आपको उस option पे tick करना है. So dear children, after watching this video, you have to do page number 180 in your EVS book. Okay, bye bye and have a good day.